लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सेवक बनकर अपने माता पिता को भूल चुका है। नहीं अंजना, अंजना ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा पुत्र भगवान श्री राम की सेवा में है। कहते हैं श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। हमारे रुद्र अवतार हनुमान का जन्म उन्हीं की सेवा के लिए हुआ है। परंतु मैं अपनी ममता को सांत्वना कैसे दूं? कैसे? हमारा हनुमान इतना निर्मोही हो जाएगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माता, हनुमान पुत्र हनुमान। माता, पिताजी। पिताजी, आप दोनों मेरा ही स्मरण कर रहे थे ना? हाँ हनुमान, हनुमान तुम कहाँ रह गए थे?
मैंने तो सोचा था कि माता मुझे क्षमा कर देना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ ना आने पर आप दोनों को इतना दुख होगा। मेरा अपराध क्षमा कर देना, मैंने आप दोनों को कष्ट पहुंचाया। नहीं अनुमान, ऐसा मत सोचो, ये हमारी भावुकता है जो। नहीं पुत्र नहीं, तुमने कोई अपराध नहीं किया। श्री राम की सेवा करके तुमने हमारा गौरव बढ़ाया है। हनुमान, तुम ठीक ऐसे समय पे आए हो जब हमारा मन तुम्हें मिलने के लिए छटपटा रहा था। बस बस, अब हम पिछली बातें भूल जाना चाहते हैं। तुम आ गए, हमें सब कुछ मिल गया पुत्र। आओ आओ पुत्र। चलो पुत्र। पुत्र, हमें तुमसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ पुत्र। और तुमसे बहुत कुछ जानना है। हाँ हाँ, बहुत सी बातें करनी है। जानते हो हनुमान, तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना था। अब तुम आ गए हो ना, बैठो पुत्र। पुत्र हनुमान, क्या श्री राम ने तुम्हें यहाँ आने की आज्ञा दे दी? हाँ पिताश्री, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। अच्छा? क्योंकि उन्हें आप दोनों के मन की बात पता थी और अपने वचन का स्मरण भी था। वचन? कैसा वचन? कि वे मुझे शीघ्र अतिशीघ्र आप दोनों के पास भेजेंगे। पुत्र, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ पिताश्री, वैसे तो अयोध्या में सब कुशल मंगल है।